साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे कि मान लीजिए आप कोई भी कंट्री जा रहे हो विदेश में, तो इमिग्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। आप यहां से एजेंट भी लोगों को विजिट में भेज देते हैं, आप खुद भी विजिट में जाते हो, या आप जॉब घूमने के संबंधित जा रहे हो, या जॉब सर्च करने के रिलेटेड आप जा रहे हो, तो इमिग्रेशन आपको रोकेगा। आपकी पर्सनैलिटी देख के उनको लगेगा, क्या होता है कि दो तरह के बंदे होते हैं। एक तो उनको लगता है कि ये बंदा प्रोफेशनल है, अपने काम से जा रहा है, तो उनको टोकते तक नहीं। एक ये लगता है कि लेबर की डिग्री का आदमी जॉब से रिलेटेड जा रहा है, तो उनको रोक लेंगे। और रोकेंगे तो इमिग्रेशन आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन आपसे करेंगे, अगर आप संतुष्ट जवाब नहीं दोगे तो फिर आपको घबराहट होगी, आपके अंदर डर पैदा होगा। तो ये कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, 6 पॉइंट पे बात करूंगा। अगर ये इन पे आप क्लियरिटी कर लेते हो तो आपको इमिग्रेशन में घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। वैसे भी घबराने की जरूरत नहीं होती, इमिग्रेशन सिर्फ अपनी ड्यूटी करता है, वो उनका फर्ज होता है, उनको निभाना पड़ता है, वो पूछताछ करना उनकी ड्यूटी है। उसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लीगल तरीके से जा रहे हो। आपको आतंकवादी तो हो नहीं कि आपको पकड़ लेंगे, जेल में बिठा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये जाता पूछा जाता है लगभग में, कि आप क्यों जा रहे हो किसी भी कंट्री में, आप क्यों जा रहे हो। तो सिंपल सा है भैया, क्यों जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हैं या जॉब सर्च करने से जा रहे हैं। तो जॉब से रिलेटेड जो भी आपका रीजन है आप उनको बता सकते हो, हमारी फैमिली रहती है, हम उनके पास मिलने के लिए जा रहे हैं, जॉब से रिलेटेड जा रहे हैं या फिर घूमने जा रहे हैं, तो ये सब आप आराम से उनको बता सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, वहां जाके क्या करोगे। इमिग्रेशन अधिकारी इंग्लिश में आपसे पूछ लेता है वहां जाके आप क्या करोगे, तो आप बता सकते हो भाई आप घूमने जा रहे हो, तो आप बता सकते हो 10 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ, वापस इंडिया जाना है, या फिर आप जॉब ढूंढने के लिए सर्चिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो ये आप आराम से उनको जवाब दे सकते हो। वापस कब आओगे, तीसरा उनका सवाल हो सकता है वापस कब आओगे, तो आपके पास टिकट होती है कन्फर्म, विजिट वीजा में कन्फर्म टिकट होती है, तो आप उनको टिकट भी दिखा सकते हो, या आप उनको बता सकते हो कि मैं फलां डेट को 10 दिन 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। अगर आप विजिट में होते हो तो पूछते हैं ये क्वेश्चन, परमिट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आपके पास वीजा है, आपके पास टिकट है, आपका पासपोर्ट चेक कराओ, इमिग्रेशन चेक कराओ, सामान चेकिंग, वीजा चेकिंग, यानी ये सिर्फ सिस्टम हो सकता है। इमिग्रेशन का ये ड्यूटी होती है कि आपका वीजा वो चेक कर सकते हैं, आपकी टिकट वो चेक कर सकते हैं, आपका पासपोर्ट भी वो हाथ में लेके देख सकते हैं, ठीक है। इमिग्रेशन से रिलेटेड सामान भी आपका चेक कर सकते हैं, वीजा आपका चेक कर सकते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये इमिग्रेशन अधिकारियों के रूल होते हैं, वो करते हैं। अब साथियों मैं बता दूं कि आपका 5वां नंबर ये हो सकता है कि पहले आप कभी गए हो, तो आप उनको बता सकते हो। अगर गए हो तो पासपोर्ट में मोहर लगी होती है, आप मुख जबानी भी उनको बता सकते हो, मैं उस कंट्री में इतने दिन रहा, इतने दिन से वापस आया, ये वो। तो उनको क्या मन में थोड़ी फीलिंग होती है, बंदा सही है, वापस आ जाएगा, इलीगल नहीं होगा, ठीक है। या फिर सही वापस भी नहीं आएगा तो अपने काम से जा रहा है, तो उनका ये ड्यूटी होती है। अब साथियों मेन बात ये आ जाती है, ये बात जो पुराने होते हैं उन पे लागू नहीं होती। जो बंदे फर्स्ट बार जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, उनके ऊपर ये बड़ी लागू, बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए हो जाती है, क्योंकि पहली बार वो जा रहे हैं, बस में बैठे हुए बंदे, ट्रेन में बैठे हुए बंदे प्लेन की तरफ बढ़ते हैं, तो उनका दिल धड़कने लग जाता है। उनको लगता है यार पता नहीं क्या होगा, वहाँ वर्दीधारी बंदूकधारी लोगों को देखते हैं, तो उनको लगता है यार कहीं पकड़ लेंगे, अपने पास ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो उनको थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। तो मैं बता दूं साथियों कि आप कोई गलत नहीं हो, आप कोई आतंकवादी नहीं हो, तो डरने की कहाँ जरूरत है। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं, ठीक है। वो आपको डराने के लिए नहीं खड़े वहां पे, नहीं वो डरा सकते हैं, उतना अधिकार उनको नहीं है कि वो आपको डराएं, ठीक है। लेकिन हम डर जाते हैं उनको देख के, समझ रहे मार रहे। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नए हो इसलिए आपके मन में भय होता है। एक तो चक्कर काट लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर 100% सही हो, लीगल हो, तो 100% डरने की गारंटी नहीं है आपको। आपके पास वीजा है, टिकट है, कंफर्म टिकट है, होटल बुकिंग जो भी होता है आपके पास सब है, तो डरने की जरूरत है भाई। आप अपने काम से जा रहे हो, आप 2 नंबर में थोड़ी जा रहे हो, आपके पास 2 नंबर का सामान नहीं है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनको गवर्नमेंट ने खड़ा कर रखा है, उनकी आपकी वैसे देखा जाए तो आपकी हेल्प के लिए, आपकी सेवा के लिए, ठीक है। तो इसमें डरने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दें, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे नई जानकारी के साथ नई अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, जिसका आपको फायदा मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।